हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। और कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी ठीक होंगे और क्रिएटिव माइंड से मेरा इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का यह वीडियो मैंने एक बहुत ही सुंदर कलरफुल टेबल क्लॉथ से स्टार्ट किया है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो कलर अवेलेबल हैं उसी से ही आप बनाना स्टार्ट कीजिए। मेरे पास ये कलर थे, तो चलिए हमेशा की तरह लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और नए व्यूअर्स सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और अपने क्रिएटिव आर्ट को शेयर कीजिए मेरे साथ, जिसे मैं अपने स्टोरी पे ज़रूर लगाऊंगी। चलिए, यह कॉटन थ्रेड है जो ऑनलाइन स्टोर द क्रोशेट बेला से लिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख सकते हैं आप। साथ ही सीजर और 3 mm का हुक। सबसे पहले यार्न को ट्विस्ट करके आपको एक लूप बनाना है और 5 chain बनाना है। इसका ये बेसिक जो चेन कैसे बनाते हैं और लूप कैसे बनाते हैं, वो बिगनर्स जाके आप ज़रूर लिंक पे प्रेस कीजिएगा जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। ये बेसिक है और आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम 5 chain लेंगे। ये कैसे बनाया है वो उसमें बहुत डिटेल से मैंने आपको सिखाया है। तो इसके बाद जो लास्ट जो हमारा चेन है, जो हमारा लूप है, उसमें आपको स्लिप स्टिच करना है, जिससे कि एक सर्कल हमारा रेडी हो जाएगा। ये देखिए, ये सर्कल छोटा सा, आप चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। ये मैंने 5 से लिया है। और 2 chain बनाने के बाद आपको डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया का भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। तो ये 2 डबल क्रोशिया हमने बनाए हैं। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, उससे बहुत सारी चीज़ें हमारी छूट जाती हैं अगर हम स्किप करते हैं। तो ये चेन लेंगे, हमें बीच में एक कॉर्नर बनाना है। हम ये स्क्वायर शेप में बनाएंगे और कॉर्नर के लिए हमें एक चेन लेना है और 3 डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए, जैसे मैं ले रही हूँ आपको वैसे ही लेना है। आप चाहे तो जो भी आपको लगता है हाफ डबल क्रोशिया वो भी ले सकते हैं, उससे भी बढ़िया बन जाएगा। तो ये देखिए, ये कॉर्नर है, उसके लिए हमें 1 chain लेना है और 3 डबल क्रोशिया हमें लेना है। तो ये 3 डबल क्रोशिया करने के बाद हमें लास्ट में स्लिप स्टिच करेंगे। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको करना है, अगर आप सेम मेथड से चलते हैं तो। धागा कोई सा भी हो, आप मेथड यही यूज़ कीजिए तो बढ़िया बनेगा। सेम एक बार और हम रिपीट करेंगे। कॉर्नर के लिए हमेशा 1 chain लेना है, आप 2 भी ले सकते हैं। मैंने 1 chain लिया है और ये हो गया है हमारा कंप्लीट कॉर्नर। तो 1 chain लेने के बाद हमें यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पे हमने ये 2 chain बनाई थी, उसमें हमें क्या करना है, सेकंड वाले पे, सबसे लास्ट वाले में हमें स्लिप स्टिच करना है। ऐसे हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। और अभी स्टार्टिंग में स्क्वायर समझ में नहीं आएगा आपको, आप जैसे जैसे आप स्क्वायर बढ़ाते जाएंगे तो वो बनता जाएगा। तो ये देखिए, मैं फिर से बता देती हूँ, ये दूसरी जो चेन है, सॉरी ये ब्लरी इफ़ेक्ट इसलिए आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है टेक्निकल, तो इग्नोर कीजिएगा। तो ये जो है, आपको 2 slip stitch एक बार और करनी है, क्योंकि हमें सबसे कॉर्नर पे जो हमने 1 chain बनाई है, कॉर्नर पे वहाँ आने के लिए आपको स्लिप स्टिच करना है। और एक तो जो हमारा धागा है वो बहुत ही अच्छे से सिक्योर हो जाता है, धागा निकलेगा नहीं। तो ये आ गए हम लोग कॉर्नर पे जहाँ पर हमने 1 chain बनाई थी। तो अब वहीं से आपको 2 chain आपको स्टार्ट कर लेनी है कॉर्नर के लिए। तो हमेशा स्क्वायर का जो कॉर्नर वो ऐसे ही बनेगा। आप स्टार्ट करेंगे 2 chain से, 2 डबल क्रोशिया से, और 1 chain लेके आपको 3 डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा कॉर्नर रेडी हो जाता है। तो ये हो गया हमारा
3 डबल क्रोशिया नेक्स्ट स्टेप हमारा, सेम प्लेस पे आपको बनाना है, सेम जगह पे आपको बनाना है, सेम जो हमारा स्पेस है 1 चेन का उसी में ही बनाना है। तो ये बन गया है हमारा, तो ये देखिए एक कॉर्नर रेडी हो गया है। अब जो नेक्स्ट हमारा 1 चेन का स्पेस है वहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। आप चाहे तो स्टार्टिंग से ही 2 चेन ले सकते हैं, बट मेरा शायद धागे के कारण अच्छे से नहीं बन पा रहा था तो मैंने इसको 1 चेन लिया है। इसे ग्रैनी स्क्वायर भी कहते हैं, बट ये मैंने 1 चेन से लिया है। तो आप चाहे तो वैसे भी आप रिपीट कर सकते हैं उसको, वैसे भी बना सकते हैं, तो बहुत सुंदर बनेगा। और ये देखिए आप 3 डबल क्रोशिया फिर से हम रिपीट करेंगे 1 चेन के बाद, और हर स्पेस में आपको यही रिपीट करना है जितना भी 1 चेन का स्पेस है। तो ये अभी हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि आप इसको सिंगल कोई भी कलर से बना सकते हैं, और नेक्स्ट सर्कल को आपको हमेशा अगर काट के बनाना है, मीन्स रिपीट नहीं करना है सेम कलर से, तो आप चेंज भी कर सकते हैं कलर को, और हर एक रो पे, हर एक सर्कल पे आप उसको सिंगल कलर कोई सा भी चेंज करके बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा अब कॉर्नर वाला जो स्पेस है वहाँ पर आ गए हम, और इसको सेम वैसे ही आपको रिपीट करना है। अभी यहाँ फिर से हम सेकंड चेन के कॉर्नर पे आपको स्लिप स्टिच करना है, और ये देखिए। तो ऐसे ही आपको सभी सर्कल हमारा जितना भी स्क्वायर बनेगा स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे ही करना है। उसी से ही मैंने ये बनाया है, तो जितने भी कॉर्नर हैं आप देख सकते हैं वहाँ पर सेम रिपीट किया है। और अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपको, आप चाहे तो यही कलर रिपीट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं ये चेंज कर रही हूँ कलर, आपको अगर सेम कलर रखना है जो भी आपका है वो रख सकते हैं, अदरवाइज सीखने के हिसाब से आप इसको पहले कट कीजिए, और सेम कलर ही अगर रिपीट करना है तो सेम कलर से ही उसको धागे को चेंज कीजिए। धागा कट करके बनाएंगे तो ज़्यादा फिनिशिंग अच्छे से आएगी। और ये देखिए मैंने चेंज किया है, सिंपल तरीका है, चेन बनाना है, 2 चेन बनाना है, और सेम जगह पे ही डबल क्रोशिया बना के और एक चेन बना के और 3 डबल क्रोशिया बनाना है। ये एक चेन और 3 डबल क्रोशिया आपको बनाना है। यहाँ पर भी वही सेम रिपीट करेंगे हम, और नेक्स्ट ये जो हमारा बढ़ते जाएगा स्क्वायर, तो अभी बीच में हमें क्या है, एक गैप मिलेगा ये। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपल तरीका है, 3 डबल क्रोशिया ही बनाना है, इसमें कोई ज़्यादा चेन नहीं बनानी है। सिंपल आपको जैसे आपने वहाँ ख़त्म किया है फिर यहाँ से स्टार्ट करना है 3 डबल क्रोशिया। ये बन गया, और नेक्स्ट कॉर्नर सेम जैसे अभी आपने बनाया है स्टार्टिंग में, सेम वैसे ही 3 डबल क्रोशिया और 1 चेन
यहाँ पे है ना, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया, ये हो गया हमारा कॉर्नर। जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे आपको जितनी भी गैप वाली जगह मिलेगी आपको 3 डबल क्रोशिया ही बनाना है, और जितना कॉर्नर मिलेगा उसमें 3 डबल क्रोशिया प्लस 1 प्लस 3 डबल क्रोशिया बनाना है। ये सेम रिपीट करना है। ऐसे ये देखिए हर जगह जो भी स्पेस आपको मिलेगी आपको वैसे ही 3 डबल क्रोशिया बनाना है। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जितने भी बिगनर्स हैं वो डबल क्रोशिया बनाना तो जानते ही हैं, और नहीं जानते तो आप पिछली वीडियोस को ज़रूर ज़रूर चेक कीजिए। चेन कैसे बनाते हैं, सिंगल क्रोशिया कैसे बनाते हैं, डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं, उन सबको आपको आना चाहिए। यहाँ सेम वैसे ही स्लिप स्टिच करना है आपको, सेकंड चेन के कॉर्नर पे ही आपको स्लिप स्टिच करना है। आप चाहे तो यहाँ से कट कीजिए और यहीं से ही आपको, अगर नहीं कट करना है सेम रिपीट करना है सेम धागे को, तो आपको क्या करना है कॉर्नर जो 1 चेन की स्पेस है वहाँ तक आपको स्लिप स्टिच करना है और फिर आपको कंटिन्यू वैसे ही करना है। तो देखिए आप यहाँ पे मैंने सेम जो स्पेस है वहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाया है और कॉर्नर कॉर्नर पे सारे 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाया है। तो ऐसे ही हमारा पूरा का पूरा स्क्वायर रेडी हो जाएगा। यहाँ कॉर्नर पे आपको थ्रेड को कट करना है और फिनिशिंग का जो तरीका है वो ऐसा रहेगा कि अगर आप पतले क्रोशिया से इसको फिनिशिंग करेंगे तो भी रहेगा, और सेम क्रोशिया से भी आप इसको ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ धागे को एक एक स्टिच के अंदर से आपको लेके और इसको ऐसे सिक्योर कर देना है। ऐसे में क्या है ये धागा बाद में निकलेगा नहीं। आप चाहे तो जो फैब्रिक ग्लू आता है आप उससे भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। ऐसे पहले आपको ये ऐसे करना होगा, उसके बाद देन हम टेसल बनाएंगे कॉर्नर में, जो मैंने आप पहले देखा होगा आपने क्लिप में। तो टेसल बनाएंगे, टेसल के लिए आपको 10 राउंड करने हैं धागे से। कोई भी डायरी या फिर गत्ता आप ले लीजिए और उससे आप ये टेसल बना सकते हैं, और कोई भी धागा चलेगा। तो इससे क्या है बहुत अच्छा सुंदर इफ़ेक्ट पड़ता है। आप चाहे तो बड़े से पॉम्पम बना के उसको लटका सकते हैं मोती के साथ, और नहीं तो आप टेसल बना सकते हैं। ये मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ धागा था जो मैं कभी कभी यूज़ करके कट कर देती हूँ, तो उसी को ही मैंने इनमें यूज़ किया है। तो जो बीच बीच में जो थ्रेड आपको एक्स्ट्रा दिख रहे होंगे वो उसी के ही हैं, तो इग्नोर कीजिए। आप नया धागा ले सकते हैं अपने टेसल बनाने के लिए, और बाद में आपको ऐसे धागा को गठान लगा देना है, नॉट लगा देनी है और नीचे से कट कर देंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसको नीचे से सारे टेसल्स को खोल देंगे, नीचे से धागे को कट कर देंगे।
और ये पूरा खुल जाएगा। और आपको थोड़ा सा ये बराबर करने के लिए आपको ऐसे नीचे रख के ऐसे बराबर कर देना है। टैसल बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये छोटा सा धागा लेना है और ऐसे हुक के सहारे आपको इसको ऐसे निकाल के कट करके, और मोती हो या फिर आप एक कैप आता है उसके सहारे इसको डेकोरेट कीजिए। 4-5 मोती लगाइए, वुड लगाइए, वुड वाला जो मोती आता है वो भी लगा सकते हैं। और इस कैप को क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, आप ज़रूर मुझे मेंशन कीजिएगा जिसे भी इसका नाम पता है, तो ये लगा सकते हैं या फिर ये लगा सकते हैं, मोती जो भी आपको लगे आप लगा के डेकोरेट कीजिए, ब्यूटीफुल बनाइए इसे। आप पॉम्पम लगा सकते हैं, अगर आप ऊन का कर रहे हैं तो आप पॉम्पम लगा सकते हैं, बहुत सुंदर इफ़ेक्ट आता है इससे, बहुत सुंदर लगेगा थालपोस। आप स्क्वायर शेप हो, सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, जो शेप में बनाना चाहें बना सकते हैं, सेम मेथड से बना सकते हैं। और इसे अलग अलग तरीके के बना के, कलरफुल बना के आप इसको सेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू सेल कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू सेल कर सकते हैं। फेसबुक का मेरा ग्रुप है जिसमें आप सेल के लिए आप डाल सकते हैं, और वो भी मैं मेंशन कर दूंगी। नए डिज़ाइन को बना के, सीख के, कलरफुल आइटम बना के आप सेल कर सकते हैं। क्रोशिया हो या नीटिंग का आइटम हो आप ज़रूर सेल कर सकते हैं। घर से ही आप अपनी थोड़ी थोड़ी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, मैं बढ़ा रही हूँ इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ मेरा एक्सपीरियंस। तो एंजॉय कीजिए इस क्लिप को और लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है कलरफुल टेबल क्लॉथ, और शेयर कीजिए। और न्यू सब्सक्राइबर प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे नए वीडियोज़ आते हैं तो सबसे पहले आपको मिले, मैं ये चाहती हूँ। और प्यार ऐसे ही करते रहिए, प्यार बांटिए, और जितना भी हो सके आप इसको शेयर कीजिए। तो इसी के साथ मैं ये अलविदा कहती हूँ आपको, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।